बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे हैं पास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट लगी है इन कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज अमेज़न। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स प्लस तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को कैसे तुम्हें बनाना है वो सब चीज़ें भी इस चैलेंज का पार्ट। अब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले यू विल बी एबल टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत सारी कंपनीज पूछती हैं। अगर तुम इस चैलेंज के टॉप परफॉर्मर हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर रेफरल। हम सब लोगों ने जेई दिया था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंड अब हम सोचते हैं कि यार शायद अगर जेई में हमारे एक दो मार्क्स या फिर दो तीन क्वेश्चन सही हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता, शायद वो तुम्हारी ब्रांच का डिफरेंस हो जाता, अब तुम मैकेनिकल सिविल केमिकल में हो तो मैं कंप्यूटर साइंस में जाना था, या फिर ये डिफरेंस हो जाता कि तुम्हें इस प्राइवेट कॉलेज की जगह एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाता, या फिर एक ये लोअर एनआईटी की जगह एक अच्छी एनआईटी मिल जाती या फिर लोअर आईआईटी की जगह एक अच्छी आईआईटी मिल जाती। तो तुम्हें अभी कहीं कभी ना कभी ये लगता होगा ना कि यार अगर जेई के टाइम पे कुछ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते वो टाइम आसान था, अभी टाइम डिफिकल्ट हो गया क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अगर तुम्हारे कॉलेज में ऑन कैंपस कंपनी नहीं आ रही है, ऑफ कैंपस जाना थोड़ा सा टफ हो गया है, कंपनीज भी बहुत ज़्यादा चूज ही हो गई हैं एंड पैकेजेस भी उतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं मार्केट में ड्यू टू रिसेशन एंड ऑनगोइंग सिनेरियोस। बट स्टिल यही चीज़ तुम 5 साल बाद या 6 साल बाद फेस करोगे कि यार अगर कॉलेज से ही कॉलेज में ही थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, सिर्फ डीएससी तो पूछती हैं कंपनीज, अगर डीएससी अच्छा सा कर लेते तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता। आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद जब तुम किसी एक छोटी कंपनी में प्लेस होगे एंड फिर तुम देखोगे कि यार अभी मुझे डीएससी भी पढ़ना पड़ रहा है, सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ रहा है, कंपनीज ये भी पूछ रही हैं वो भी पूछ रही हैं एंड इट्स वेरी कॉम्पिटेटिव अगेन, तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि कॉलेज से ही अच्छी प्लेसमेंट ले लेते तो अभी तक आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड हैव इन्जॉयड माई लाइफ एंड मेरे दिमाग से वो टेंशन निकल जाती कि मुझे कंपनी स्विच करनी है कंसिस्टेंटली। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक स्पेशल चैलेंज आई एम लॉन्चिंग, दैट इज क्रैक योर इंटर्नशिप एंड क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज। ये 2 साल से होता हुआ आ रहा है एंड इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे हैं पास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट लगी है इन कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज अमेज़न। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में प्लेसमेंट लगी है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास इस पर्टिकुलर चैलेंज को लेकर, तुम बहुत सारी लिंक्डइन पोस्ट भी देख चुके होगे इससे रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है यार। तो दिस इज अ 45 डेज का प्लान, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो देर इज अ गारंटेड अपॉर्चुनिटी कि यार तुम्हारी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट लग जाएगी। टाइम थोड़ा ज्यादा कम लग सकता है बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटी, बेस्ड अपॉन योर स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स कितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, बट हाँ अगर तुम ये 45 डेज कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, सारी चीजें कवर करते हो, देन डेफिनेटली यू आर एम्प्लॉयबल, तुम किसी भी कंपनी में जा सकते हो, जस्ट दैट तुम्हारा प्रैक्टिस लेवल कितना है। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज में क्या हो रहा होगा, क्या कुछ बेनिफिट्स होंगे, कैसे तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो लेट्स दिस वीडियो। तो इस चैलेंज का नाम है क्रैक योर इंटर्नशिप एंड क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, जिसमें कोई भी कॉलेज स्टूडेंट अगर तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो एंड तुम एक अच्छी प्लेसमेंट या फिर एक अच्छी इंटर्नशिप चाहते हो किसी भी एक अच्छी कंपनी में, देन यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। या फिर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, अभी तुम एक दो साल किसी कंपनी में बिता चुके हो बट स्टिल तुम चाह रहे हो कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जाना है, तो तुम भी इस चैलेंज को दे सकते हो। इस चैलेंज में हर कोई एलिजिबल है, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर का स्टूडेंट प्लस वर्किंग प्रोफेशनल भी एलिजिबल है, बट ये चैलेंज मेजरली होने वाला है रिवीजन चैलेंज, मतलब अगर तुमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो ये बिल्कुल बिगिनर के लिए नहीं है अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है, बट हाँ अगर तुमने थोड़े बहुत टॉपिक्स कर लिए हैं, एरे, स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज, तुम्हें पता है ट्रीज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, देन दिस इज़ अ वेरी गुड चैलेंज, क्योंकि इससे सारे टॉपिक्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें हम 3-4 चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ इज़ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। हम 45 डेज में 280 क्वेश्चन कर रहे होंगे। 280 क्वेश्चन का नाम है अर्श का डीएसए शीट, मतलब दिस पर्टिकुलर शीट इज अपडेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं है कि एक बार शीट बना दी एंड वही चल रही है, हर साल ये शीट अपडेट होती है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विद रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनीज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आई हैव बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, आई हैव बीन इन टच विद लॉट ऑफ हायरिंग चैलेंजेस, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कौन कौन से हायरिंग चैलेंजेस हो रहे हैं एंड कंपनीज कैसे अपने ऑनलाइन चैलेंजेस को मोल्ड कर रही हैं हर साल, तो आई कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग एंड उस सब नॉलेज से ये चैलेंज के क्वेश्चंस बनते हैं एंड दिस पर्टिकुलर चैलेंज माइट बी वेरी वेरी यूजफुल। अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आने वाली हैं या फिर तुम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने कर लिया है, तुम रिवाइज करना चाहते हो, तो देन ऑल्सो इट्स वेरी सूटेबल। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स प्लस तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को कैसे तुम्हें बनाना है वो सब चीज़ें भी इस चैलेंज का पार्ट है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज कि इसमें स्टार्ट कैसे करना है चैलेंज एंड हाउ कैन यू पार्टिसिपेट। इस पर्टिकुलर चैलेंज का एक्सेस तुम्हें proelevate.in पे मिल जाएगा, proelevate.in मेरी ही वेबसाइट है एंड इस पे जाके तुम अर्श का डीएसए शीट खोलोगे तो वहां पे एक 45 डेज चैलेंज तुम्हें मिल जाएगा। उस चैलेंज को तुम थ्रू आउट जुलाई कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट तुम्हें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है क्योंकि प्लेसमेंट सीजन आने वाला है विद इन नेक्स्ट मंथ। बहुत सारी कंपनीज के ऑफ कैंपस चैलेंजेस स्टार्ट हो रहे होंगे, बीट, अमेरिकन एक्सप्रेस, गोल्डमैन सैक्स, मिंत्रा, बहुत सारी कंपनीज, तो अब जानते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इसके लिए तुम रजिस्टर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले नीचे दिए हुए लिंक से यू नीड टू गो टू अर्श का डीएसए शीट ऑन proelevate.in, ये मेरी ही वेबसाइट है। इस पर्टिकुलर शीट पे जाके अगर तो डायरेक्टली ये चैलेंज खुल जाता तो ठीक है, नहीं तो डीएसए प्रैक्टिस पे जाके यू नीड टू क्लिक ऑन अर्श डीएसए शीट, तो ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पे जाके यू कैन सी दिस बैनर, ट्राई द 45 डेज डीएसए चैलेंज, राइट। अब ट्राई द 45 डेज डीएसए चैलेंज में
यू जस्ट नीड टू क्लिक ज्वाइन नाउ, मतलब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है कई बार, बट वी आर इम्प्रूविंग अपॉन इट धीरे धीरे, राइट? यू विल गेट टू नो कि जब एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो इट्स लाइक इट टेक्स टाइम, तो यू नीड टू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ, राइट? जब तुम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे यू विल सी ऑल द चैलेंज रूल्स, राइट? अब रूल्स में क्या है, 45 to 60 days में यू नीड टू कम्प्लीट 4 to 5 questions a day, एंड तुम एक गिटहब रिपोजिटरी मेंटेन करोगे जिसका नाम रखोगे क्रैक योर इंटर्नशिप और क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, एंड यू नीड टू अपडेट योर प्रोग्रेस देयर। व्हाट इज डीएसए शीट? डीएसए शीट में 270 से 280 क्वेश्चन है। हाउ इज इट क्यूरेटेड? इट इज क्यूरेटेड ऑन द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ असेसमेंट, मतलब जो भी कंपनीज में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनरली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते थे ना जब एग्जाम्स होते थे, तो वही वाली चीज है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारे रिविजन हो सके, हमने जो कुछ पढ़ा है आगे आने वाले 2-3 महीनों में कंपनीज के टेस्ट या फिर इंटरव्यूज क्लियर करने में हमारी हेल्प हो सके। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आगे रूल्स में बताएंगे कि यू नीड टू पोस्ट दिस ऑन ट्विटर और लिंक्डइन टुडे इटसेल्फ कि आई एम स्टार्टिंग दिस चैलेंज फॉर नेक्स्ट 45-60 days टू बी एलिजिबल, ताकि तुम अकाउंटेबल हो, ताकि तुम आंसरेबल हो। बेनिफिट्स क्या होंगे ये विल डिस्कस इन द वीडियो, बट यस दीज आर द रूल्स, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड क्वेश्चन कूलडाउन, मतलब जब तुम एक क्वेश्चन कर लेते हो दिस आर ऑप्शन ऑफ मार्किंग दैट क्वेश्चन कि तुमने क्वेश्चन कर लिया कि नहीं, बट उसमें 5 मिनट का डिफरेंस है, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे धक्के से कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन, लाइक इट दिस अ डिफरेंस ऑफ 5 मिनट्स। सो यू नीड टू क्लिक ऑन काउंट मी इन, व्हेन यू क्लिक ऑन काउंट मी इन यहाँ पे तुम्हें गिटहब यूजर नेम डालना है, लेट्स से मैं कुछ भी डाल रहा हूँ फॉर द टाइमिंग ABC XYZ, यू नीड टू पुट योर ओन, यहाँ पे तुम्हें लीड कोड यूजर नेम डालना है ABC XYZ आई एम पुटिंग, राइट? एंड यहाँ पे अगर रीसेट योर प्रोग्रेस, अगर तुम पहले प्रोवेलिवेट पे आके ये चीज कर चुके हो तुम्हारी प्रोग्रेस को रीसेट करने के लिए यू नीड टू क्लिक हेयर, तो उसके बाद यू विल बी स्टार्टिंग दिस चैलेंज, राइट? क्लिक ऑन रजिस्टर मी, तो ये तुम्हारा एक पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो रिमेनिंग डेज 45 क्वेश्चन तुमने कितने सॉल्व कर लिए, इजी क्वेश्चन कितने किए, मीडियम क्वेश्चन कितने किए, हार्ड क्वेश्चन कितने किए, यू कैन गेट दिस। एंड ये पूरे जुलाई के मंथ में तुम कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जितना जल्दी स्टार्ट करोगे देयर बेटर चांसेस एंड यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स। यहाँ पे जाके क्लिक करके तुम लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो कि कितने लोग ये चैलेंज ऑलरेडी कर रहे हैं एंड तुम भी कैसे कर सकते हो। यहाँ पे रूल्स देख सकते हो, यहाँ पे अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो ये वाली वीडियो पे तुम आ जाओगे, एंड दीज आर द क्वेश्चंस, राइट? यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैटेगराइज है, एरे, स्ट्रिंग्स, मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, एंड यहाँ पे साइड से तुम फिल्टर भी लगा सकते हो, मान लो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, रिकर्जन के क्वेश्चन हैं, फिर डिफिकल्टी वाइज, मतलब पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, मीडियम क्वेश्चन करने हैं, हार्ड क्वेश्चन करने हैं, स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, राइट? ये तुमने कर लिया, मार्क एज डन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क एज डन हो जाएगा, इसका स्टेटस अपडेटेड है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कंपनीज के लोगोज दिख जाएंगे कि ये वाली कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे मान लो सॉर्टिंग कलर्स, ये इतनी कंपनीज के इंटरव्यूज या फिर टेस्ट या फिर OA में पूछा जा चुका है। अनदर फीचर इज, लेट्स से तुम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, इफ यू क्लिक ऑन स्टार्ट टाइमर, राइट, ये 0 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, एंड तुम यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो मैं लीड कोड पे ले जाएगा, लीड कोड पे जाके तुम ये क्वेश्चन सबमिट करोगे, राइट? वंस यू सबमिट दिस क्वेश्चन, फिर तुम्हें टाइमर स्टॉप करना है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुमने कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को तुम्हें अपनी गिटहब रेपो में भी डालना है, यू नीड टू क्रिएट अ गिटहब रेपो, क्रैक योर डीएसए चैलेंज, क्रैक योर इंटर्नशिप, हैशटैग क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, तो हैशटैग क्रैक योर इंटर्नशिप, हैशटैग क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, जब भी तुम लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करोगे तो मेक श्योर यू राइट दिस ऑफ ताकि वी कैन ट्रैक यू बेटर, राइट? तो उसमें भी ये चीज डालनी है, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। इसके बाद एक और चीज है, तुम अपना स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो भी तुम्हारा चैलेंज की प्रोग्रेस है यू कैन पुट दिस स्क्रीनशॉट, अगर तुम फ्यूचर में कोई पोस्ट कर रहे हो कुछ, यू पोस्टिंग इट ऑन लिंक्डइन या फिर ट्विटर, सो यू कैन पोस्ट दिस ऑफ, सो दिस इज द एंटायर चैलेंज प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज, राइट? अगर इसको लेकर तुम्हारे कुछ और डाउट्स है तो डू लेट मी नो द कमेंट्स बिलो। हाँ, तो धीरे धीरे द प्लेटफॉर्म इज इम्प्रूविंग, वी आर वर्किंग अपॉन इट, बट येस यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दिस टाइम, एंड इसके बेसिस पे ही तुम्हारी वैल्यूएशन होगी कि तुमने कितने क्वेश्चन करें। यहाँ पे तुम लीडर बोर्ड पर क्लिक करोगे, वंस यू क्लिक ऑन द लीडर बोर्ड यू विल सी कि कितने क्वेश्चन करें एंड तुम्हारा रैंक क्या चल रहा है करंटली इस पर्टिकुलर चैलेंज में। तो ये लीडर बोर्ड है, ये लीडर बोर्ड अपडेट हो जाएगा वेन एवर यू डू दैट। यहाँ पे कितने क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, कौन से कॉलेज से हो तुम, कितने क्वेश्चन पर डे कर रहे हो, ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी कौन सी है, एंड प्रोफाइल तुम्हारी दिख जाएगी। सो दिस इज द लीडरबोर्ड दैट यू विल बी सीइंग एवरी टाइम पीपल जॉइन दिस चैलेंज। अब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले यू विल बी एबल टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत सारी कंपनीज पूछती हैं, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि बहुत सारे OAs में या इंटरव्यूज में तुम देख रहे हो कि यही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। सेकंड चीज, अगर तुम ये चैलेंज को कंप्लीट करते हो एंड टॉप रैंकर्स को प्राइजेस मिल रहे होंगे उनके घर पे डिलीवर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल भी मिले थे, इस साल भी मिलेंगे। थर्ड थिंग
थिंग इज तुम्हें रेफरल्स भी मिल रहे होंगे। अगर तुम इस चैलेंज के टॉप परफॉर्मर हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर रेफरल्स। बहुत सारी कंपनीज मुझे रीच आउट कर रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हमें अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, अच्छे डेवलपर्स चाहिए, तो आई विल बी एबल टू रेफर योर रिज्यूमेस। या फिर कोई भी ऐसे ओपनिंग आती है किसी भी कंपनी की, आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद रेफरल्स थ्रू माई नेटवर्क। एंड फोर्थ थिंग इज एक मेंटरशिप सेशन हो रहा होगा जो भी स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ आर कम्युनिटी। एंड दिस इज एंटायरली फ्री, इसका कोई पैसा नहीं देना तुम्हें पूरे इनिशिएटिव का, दिस इज एंटायरली फ्री। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो चीज़ होती है ना कि यार अगर तुम किसी चीज़ का ढिंडोरा पीट देते हो तो तुम आंसरेबल होते हो चीज़ों को। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे हम फिटनेस चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, चाहे हम जिम चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, चाहे हम कंटेंट क्रिएशन चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, बट हम वो चीज़ एक दो दिन करते हैं, पाँच दिन करते हैं, दस दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो उस चैलेंज को कंटिन्यू रखने के लिए यू नीड टू बी आंसरेबल टू समवन। तो इसके लिए चैलेंज के रूल्स हैं, सबसे पहले यू नीड टू पोस्ट दैट यू आर स्टार्टिंग दिस चैलेंज फ्रॉम टुडे या फिर टुमारो या फिर अगले चार पाँच दिन में, कभी भी स्टार्ट करो। यू नीड टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन या फिर ट्विटर कि आई एम स्टार्टिंग दिस क्रैक योर इंटर्नशिप हैशटैग क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, जिसमें मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ इन 45 डेज। यहाँ पे तुम चैलेंज का नाम दे सकते हो, चैलेंज शीट का नाम दे सकते हो जो नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हो कि आई एम स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंज ऑन सो एंड सो डेट एंड आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैलेंज विद इन नेक्स्ट 45 डेज टू 50 डेज। एक बार तुमने चैलेंज स्टार्ट कर दिया, उसके बाद तुमने अपनी गिटहब रेपो मेंटेन करनी है। इन पोस्ट से एंड तुम्हारी गिटहब रेपो से हम ट्रैक कर पाएंगे कि कितने लोग इस चैलेंज को कर रहे हैं एंड वी विल बी एबल टू रिवॉर्ड देम विद ऑल द प्राइजेस एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस चैलेंज। अब तुमने डीएससी तो कवर कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, उसके लिए भी एक स्पेशल शीट्स मिल रही होंगी तुम्हें। उन शीट्स को करके यू वॉन्ट बी लेफ्ट विद एनी क्वेश्चन जो उससे बाहर से आएगा। मतलब मोस्टली कंपनीज वही क्वेश्चंस पूछती हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, जैसे ओएस, ओप्स, डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन सब की शीट्स तुम्हें दी जाएंगी। हु विल बी कंप्लीटिंग दिस चैलेंज, वी विल ट्राई टू गेट यू मल्टीपल प्रोजेक्ट आइडियाज जो तुम बिल्ड कर सकते हो, जो यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, एंड कैसे तुम हैकाथॉन्स में एक्सेल कर सकते हो, उसके लिए भी एक दो सेशंस कंसिडर करेंगे तुम्हारे लिए अगर तुम इस चैलेंज में पार्ट लेते हो। तो दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट इंटर्नशिप और योर प्लेसमेंट। इसको तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज कोलैबोरेशन विल हेल्प यू मेक मोर आंसर। पांच लोगों का ग्रुप एक साथ कर रहा होगा ना, देन दूसरा बंदा तुम्हें पुश करेगा हर दिन कि यार ये चैलेंज करना है, इतने क्वेश्चंस मैंने कर लिए, देन यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ यार मुझे भी करना है। तो अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, एक साथ में इस चैलेंज को लो एंड यू विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड फॉर श्योर। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप सब लोग आज ही स्टार्ट कर रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन एंड होप टू सी यू गेटिंग सक्सेसफुल वेरी वेरी सून।